फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में, ज्योतिष रियल ब्लॉग में। और मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ वैरायटी, कुछ नया मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो में। तो आप आगे बने रहिए। अब सुबह के बज चुके हैं नौ बज चुके हैं और बाहर का वेदर बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रखा है, क्योंकि बाहर पूरा बादल सा छाया हुआ है और बरसात होने वाली है। थोड़ी बरसात भी गिर ही रही है और मेरा भी सारा काम हो गया है। अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट और उसके बाद फिर लंच। ऐसे ही हाउसवाइफ की लाइफ चलती है, हाउसवाइफ की लाइफ की गाड़ी, तो मेरी भी गाड़ी चल ही रही है। और फिर अब तो बच्चों का ब्रेकफास्ट हो रहा है और ब्रेकफास्ट में बना है सूजी मेकिंग, मैं आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ इडली की रेसिपी की स्टार्ट हो गई है, इडली बनाने की। ये देखिए, यहाँ पर हमने 1.5 कप चावल और 2 कप दाल भिंगाने के लिए रख दिया है। इसे हम अच्छे से धोकर, देखिए चावल धो रही हूँ मैं, धोकर इसे पानी डालकर भिंगाने के लिए रख दूँगी मैं। 2-3 घंटे रख देंगे तो बहुत है। और यहाँ मैं दाल धो रही हूँ। आप जब इडली के लिए दाल और चावल एक दिन पहले धो कर पीस कर रख लोगे तो इडली बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। अब ये लंच टाइम है और मैंने लंच में खिचड़ी बनाया था, तो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड खिचड़ी खा रहे हैं। और इवनिंग टाइम में मेरे हस्बैंड टीवी देख रहे हैं और मेरे बच्चों से बात कर रहे थे, तभी उनका कॉल भी आ गया, तो फिर वो कॉल में लग गए। और ये डे 2 का है, यहाँ पर हमारी इडली मेकिंग स्टार्ट हो गई है। सुबह के टाइम हमने पहले इडली के बर्तन में पानी को गर्म करने के लिए रख दिया, फिर इडली के सांचों में हमने पहले ऑयल से ग्रीसिंग कर ली, उसके बाद हमने इडली का जो बैटर है उसको हमने डाला। इडली के बैटर को देखिए, हमने इडली के सांचों में ऑयल से ग्रीसिंग कर ली। और ऐसा करने से इडली कभी सटती नहीं है, जब इडली बन जाती है तो आसानी से निकल आती है, वरना आप ऐसे ही डालोगे तो इडली उसमें सट जाएगी, इडली का बैटर सट जाएगा और इडली निकालने के टाइम में इडली टूट जाएगी। इसीलिए हम पहले ऑयल से ग्रीसिंग करते हैं और उसके बाद ही हम इडली के सांचों को इडली के बर्तन में रखते हैं, ताकि इडली अच्छे तरह से पक के और आराम से बाहर निकल जाए, खाने के टाइम में इडली टूटे ना। देखिए, और जब आप इडली का बैटर बनाओगे, मैंने जब दाल और चावल पीस लोगे तो उसमें आप नमक पीसते साथ ही नमक और खाने का सोडा चुटकी भर डालकर अच्छे से मिलाकर ढक कर रख दीजिए। वो जब फूलेगी, मैंने इडली का बैटर जब फूलेगा और दूसरे दिन उसके ऊपर ऊपर से निकाल कर, जैसे कि आप देख रहे हो, इडली के सांचों में डालोगे और इडली जब बनाओगे तो इडली बहुत ही ज़्यादा नरम और फूली फूली और बहुत ही अच्छी बनकर आएगी, मार्केट जैसी। हम हमेशा ऐसा ही बनाते हैं और हमारे घर में हर संडे को इडली बनता है। और यहाँ पर देखिए, चटनी की मेकिंग स्टार्ट हो गई है। हमने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल ले लिया, उसे गर्म होने के बाद उसमें हमने कच्चे बादाम और चना दाल 1/2 कप डाल दी हमने। अब इस दोनों को हम लोग पहले अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ऐसा करने से चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। ये सब हमारे दादी नानी के तरीके हैं जो आज भी हम लोग यूज़ करते हैं और आज भी हमारे घर में वैसा ही पुराने ज़माने का ही पुराने स्टाइल से ही बनता है। कोई नया
तरीका हम नहीं आजमाते, जैसा हमारे बड़े सिखा कर गए हैं हम वैसा ही बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से दाल और बादाम भूंज गए हैं, अच्छे से फ्राई हो लिए। उसके बाद हमने मिर्च डाल दिए, 4 से 5 हम लोगों ने मिर्च डाल दिया। मिर्च और चना दाल और आपका दाल और जीरा ये सब फ्राई हो जाए, उसके बाद लास्ट में हम नारियल के टुकड़े को डालेंगे। और देखिए बगल में इडली भी बन रही है। हर संडे सुबह का हमारा यही रूटीन होता है कि हम सुबह सुबह नहा धोकर पहले इडली बना लेते हैं, ताकि बच्चे उठने के टाइम पर ब्रेकफास्ट रेडी मिले उन्हें, और वो उठते साथ ही फिर हल्ला करने लगते हैं कि मुझे नाश्ता चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने नारियल भी डाल दिया और यहाँ देखिए हमारी इडली बनकर रेडी हो गई है। देखिए कितनी नरम और फूली फूली और कितनी आसानी से निकल जा रही है, बस एक बार चम्मच घुमाने की देरी और इडली आराम से बाहर आ गई। और इसी तरह हम इडली बनाते हैं, आप भी ट्राई करो। और देखिए यहाँ पर हमने चटनी ग्राइंडर में डाल दी है पीसने के लिए, मिक्सी के जार में, सॉरी मिक्सी बोल रही, मिक्सी के जार में डाल दी और नमक भी डाल दी स्वाद अनुसार चटनी में। चटनी पीस कर जब रेडी हो जाए तब हम इसके ऊपर करी पत्ता और सरसों से तड़का लगा देंगे। बट हमारे घर में आज करी पत्ता नहीं था, तो हमने सिर्फ सरसों का ही तड़का लगाया है। क्या होता है ना, कभी कभी करी पत्ता हमारे घर में रोज़ यूज़ होता है तो आज ख़त्म ही हो गया। और देखिए हमने चटनी में नींबू, पूरा एक गोटा नींबू निचोड़ दिया हमने खट्टेपन के लिए, क्योंकि हमने चटनी में इमली वगैरह कुछ नहीं डाला, तो हमने नींबू से ही खट्टापन लाते हैं चटनी में। और यहाँ पर देखिए सरसों भी तड़क गया है अच्छी तरीके से, अब हम इसे चटनी में डाल देंगे। तड़के को चटनी में डाल देंगे, सरसों के तड़के को डालकर, और इसके बाद आप इसे ढकना मत। कोई कोई होते हैं चटनी को ढक देते हैं तो फिर उसमें अजीब सा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है चटनी, इसीलिए हमने इसे खुला ही रखा, थोड़ी देर के बाद ढका उसे हमने। देखिए हमारी चटनी भी बनकर रेडी हो गई है। अब हमारे बच्चे उठकर इडली और चटनी और सांभर का मज़ा लेंगे, उनका उठने का भी टाइम हो गया था। तो बस यहाँ पर देखिए मेरे बेटा इडली स्टार्ट कर दिया बिना चटनी दिए ही, चटनी और सांभर हमने ला कर रखा ही नहीं, और इसने ऐसे ही इडली खाना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर देखिए जेठालाल देखते हुए मेरे बच्चे खा रहे हैं और मेरी मम्मी इन्हें सर्व कर रही है चटनी सांभर और इडली। बड़े मज़े से खाते हुए जेठालाल देखते हुए। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।